खबर है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर की, जहां एक रात में 9 घरों में चोरियां होने से हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए पांच घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि पंढरपुर पुलिस को शिकायत मिली कि एक ही रात में गोपालपुर गांव में 9 घरों में चोरियां हुई, जिसके बाद बिना समय गवाए पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की और महज 5 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों के पास से 20 किलो सोना, तोला सोना माफ कीजिएगा, और 1 किलो चांदी समेत एक लैपटॉप बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि नटवरलालों ने इससे पहले और कहां कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। काफी बड़े पैमाने पे एचबीटी यानी हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के गुने हो रहे थे। पीआई गावड़े, डीवाईएसपी सागर कवड़े और उनके डीबी स्टाफ ने एक आरोपी पे अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसका नाम था नीलेश भोसले। नीलेश भोसले के पास एक लैपटॉप है और वो लैपटॉप शायद किसी एचबीटी का है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसको अप्रीहेंड किया गया। उसके पास से वह लैपटॉप रिकवर किया गया और उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ऐसे सामने आया कि इस आरोपी ने अन्य 6-7 आरोपियों के साथ पंढरपुर और आसपास के एरिया में काफी एचबीटीज किए हैं। बाकी इसके साथ 4 आरोपी को अटक करने में पुलिस की टीम सक्सेसफुल हुई। उन्होंने इन आरोपियों से 9 एचबीटी के पंढरपुर के ऑफेंसेस और 1 टेम्बुर्ने का ऑफेंस ऐसे अभी तक डिटेक्ट किया गया है, जिसमें करीबन 10 लाख की प्रॉपर्टी रिकवर की गई है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमें ऐसा लगता है कि और कुछ गुनेगार इसमें से सामने आएंगे और ऑफेंसेस इसमें डिटेक्ट होंगे। इन आरोपियों ने एक कार का यूज करके, प्राइवेट कार का यूज करके दिन के टाइम पे कौन सा घर बंद है ये आइडेंटिफाई करके रात के टाइम में इन घरों पे एचबीटीज किए। मैं सभी सिटीजन्स को ये अपील करता हूँ कि जब भी अपना घर छोड़ के जाना है तो अपनी प्रॉपर्टी या जो भी जेवरात है वो बैंक लॉकर में रखें, अपने पड़ोसी को इन्फॉर्मेशन दे कि वो जा रहे हैं ध्यान देने के लिए, और हो सके तो सीसीटीवी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि अगर आपके घर में कोई चोरी हो तो डिटेक्ट होने में पुलिस की सहायता हो।